दिल्ली में यमुना का जल बढ़ने से यहाँ के आस के इलाकों बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। जन बिल्कुल अस्त हो चुका है। कई लोग यहाँ भी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इस समय आउटर रिंग रोड मौजूद हूँ महात्मा गांधी मार्ग पर और आप तस्वीरें सीधा आउटर रिंग रोड के कश्मीरी गेट से देख रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए कि ये जो सड़क है वो राजघाट ITO की ओर जाती है और इसी के साथ ये कश्मीरी गेट का फ्लाईओवर है। दाहिने तरफ हनुमान मंदिर है, जो प्राचीन हनुमान मंदिर है। अमूमन यहाँ पर भारी ट्रैफिक होती थी। और दूसरी तरफ आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि ये दाहिनी तरफ आप तस्वीरें जो देख रहे हैं ये निगम बोध घाट का इलाका है और आप तस्वीरों में देखिए कि यहाँ से महज 200 मीटर की दूरी पर यमुना बह रही है और पूरा का पूरा इलाका जो है वो जलमग्न हो चुका है। मौके पर NDRF की टीम है तैनात। अभी भी जो लोग यहाँ पर फंसे हैं उनको निकालने की कोशिश की जा रही है, उनका रेस्क्यू जारी है। इसके साथ ही जो गाय हैं, जो पशु हैं, जो बेजुबान हैं उनको भी यहाँ पर निकाला गया है और इनको आउटर रिंग रोड पर ही इन तमाम पशुओं को बांध दिया गया है। हालात बहुत ही ख़राब हो चुके हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि तमाम यहाँ पर जो लोग हैं वो मौजूद हैं। उनसे थोड़ा सा बातचीत करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है, सरकार की तरफ से क्या कुछ सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है, ये तमाम चीज़ें इनसे पूछने का काम करेंगे। नाम क्या आपका? मेरा नाम डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। कहाँ रहते हैं? शाहदरा। अच्छा, तो यहाँ क्यों आए हैं? गौ सेवा करने के लिए। तो यहाँ पर कितनी गाय हैं? ये 280 गाय हैं जो हम अंदर पानी में से आ रही हैं, कुछ अभी बाकी फंसी हुई हैं, उनको लेकर आ रहे हैं, मैं इनका ट्रीटमेंट करने ले आया। क्या क्या ट्रीटमेंट में हो रहा है इनको? जो ये ठंड में 3-4 दिन से पानी के अंदर है तो इनको निकालने के बाद उपचार जो भी इनको ठंड है जो ट्रीटमेंट दिया जाएगा वो देंगे। ये बताइए कि अभी यहाँ पर कितने गायें मौजूद है और क्या जो ये चारा वगैरह इनको दिया जा रहा है ये कहाँ से आया? ये चारा है, दानी है, जो सेवा भाव लोग हैं, पब्लिक है जो सेवा कर रही हैं वो दान में दे रही हैं। अभी बेचारी भूख की तड़प रही हैं, इनको पानी की व्यवस्था नहीं है। अभी हम इधर अंदर से भी नाव से बांध बांध के गाय लेके आ रहे हैं। अभी बच्चे गए हैं, मैं भी पानी में अंदर जाऊंगा, वो भी लेके आऊंगा। तस्वीरें सीधा आप महात्मा गांधी मार्ग देख रहे हैं। आपका नाम क्या है अंकल जी? वकील। यहीं रहते हैं? हाँ, ये हम ये गौ माता की सेवा करते हैं। गौ माता का सेवा करते हैं या खटाल खोले? हाँ, खटाल। कितना गाय आप रखे हुए? करीब 300 गाय के लगभग है। 300 गाय यमुना के किनारे? हाँ, यमुना किनारे। अच्छा, तो अभी कितना गाय रेस्क्यू हुआ है? अभी करीब सब तो आ गया है, 15-20 और वहाँ रखा रुका हुआ है। तो ये कौन ला रहा है उधर से? वो अथी इंडिया गेट ला रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि कुछ सुविधा है सरकार की तरफ से? नहीं, सरकार की तरफ से हम लोग अभी कोई सुविधा नहीं है? कोई सुविधा नहीं मिला है। अरविंद केजरीवाल कुछ है सुविधा मुहैया कर रहे हैं? खाना पीना कुछ मिल रहा है? नहीं, हम लोग अपना तरफ से खाना पीना मिल रहा है, अपना तरफ से खाते हैं। सरकार कह रहे हैं कि बहुत खाना बांट रहे हैं। नहीं 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 नहीं, हम लोग का कोई ला रहे हैं, अपना कर रहे हैं सब कुछ। हमारा राजू। कुछ मिल रहा है सरकार की तरफ? कुछ नहीं मिल रहा है। ये देखो हम अपना कर रहे हैं, 3 दिन से यहीं पे मतलब गाय ऊपर से लाए, इतने इतने पानी में अभी भी गाय मतलब 15-20 गाय फंसी हुई हैं, सब लाए हैं। शुद्ध लेने आया है? जान नहीं आया, कोई भी नहीं आया, कोई नहीं आया। देखो वहाँ बैठे हैं बड़े हमारे भाई, वहाँ बैठे हैं सारे। सिस्टम फेल? फेल, सब फेल। अच्छा, तो सीधे तौर पर आप तस्वीरें देख रहे हैं ITO के, ये आगे वाला इलाका है और यहाँ पर कश्मीरी गेट पर प्राचीन हनुमान मंदिर है और लोगों में बहुत ही नाराज़गी है सरकार के प्रति कि अभी भी सरकार की तरफ से यहाँ पर कोई सूद लेने नहीं आया है। तो तस्वीरें बेहद भयानक हो चुकी है। तमाम जो 300 के लगभग इधर गाय फंसे थे उनको निकालने की आप लोग आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम पप्पू मलिक है। कहाँ से आप हैं? यहीं पर रहते हैं? हाँ। तो आप लोग का गाय निकल गया या अभी भी है? गाय तो निकल गया, गाय निकल गया, हम तो सेवा में थे वैसे ही। लोग निकाल रहे हैं। तो देखिए कि लोग अब अपने स्तर से कोशिश कर रहे हैं, जो गायें फंसी हैं उनको निकाल कोशिश की जा रही है और इनका सीधे तौर पर आरोप है कि सरकार की तरफ से यहाँ पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, खाने पीने की चीज़ें मुहैया नहीं कराई जा रही है और पानी की किल्लत है, चारा की किल्लत है। तो सीधे तौर पर स्थिति बाढ़ के बाद यमुना के आसपास के इलाकों की खराब हो चुकी है। जल स्तर में थोड़ी कमी ज़रूर आई है लेकिन अभी भी सामान्य हालात होने में काफ़ी वक्त लग सकते हैं। लेकिन पूरे मामले को लेकर दिल्ली में सियासत खूब हो रही है। आम आदमी पार्टी ने BJP पर आरोप लगाया है कि BJP ने सुनियोजित तरीके से दिल्ली में बाढ़ की त्रासदी लाई, तो वहीं BJP का कहना है कि अरविंद केजरीवाल की निकम्मी सरकार ने मानसून से पहले नालों की सफाई नहीं की, इसलिए ऐसे हालात दिल्ली के बने हैं। कुल मिलाकर सियासत
सियासत खूब हो रही है, लेकिन आम जनता जो है वो त्रस्त है। और यहाँ पर तस्वीरें सीधा आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। Thank you.